कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये बताना चाहते हैं कि तुम ऐसे कर्म करो भक्ति के दुनिया में नाम भी हो, तुम्हारे काम भी सरें, तुम पर कोई आपदाएं भी असर ना करें और आपके ये सारे तीन ताप का भी नाश हो। पांडवों के ऊपर तीन ताप का असर था। प्रेत आत्मा प्रेत बाधाएं उनको सता रही थी, वो भी श्री कृष्ण जी से नहीं, उस परमात्मा के उस सतगुरु के साधक से, सुपच के भोजन करने से, और तब उनकी वो आपदा भी तब समाप्त हुई। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न तीन तापम, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। तो परमात्मा कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जा धूप ना छाई। यानी जय सतगुरु की संगत, यानी सतगुरु मिल जाता तो ऐसी भक्ति करवाता ना, फिर पुनर्जन्म होता, सतलोक में चले जाते जहां सदा सुखी रहते। तो वो सतगुरु आज ये दास आपके सामने है। और आपका कितना सौभाग्य है, आपको सहज में इस पृथ्वी पर ये ज्ञान और कबीर भगवान और ये सच्चा नाम प्राप्त हो चुका है, इसको संभाल के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न होए तेरी ऐसे भक्ति नसाए। इस ज्ञान को इस भक्ति को प्राप्त करके ये मर्यादा अवश्य पालन करना, इसके ये संकेत कर रहे हैं कि जैसे किसी बेटी बहन को गर्भ रहता है और फिर वो कितनी चिंतित होती है कि हे परमात्मा मेरा लाल रूपी गर्भ किसी ऊंचे नीचे पैर टिकने से या गलत खाने पीने से खराब ना हो जा। वो रात को भी जब करवट बदलती है, अचानक फड़क के उठती है, कहीं बच्चे पर दाब तो नहीं लगी, भगवान सतर्क होती है। तो कहते जैसे माता गर्भ को रख है यत्न बना और ठेस लगे तो नाश हो जाएगा तेरी ऐसे भक्ति नशा। तो इस प्रकार आपने भक्ति भी करनी है, मर्यादा में भी रहना है, आखिरी सांस तक सतलोक आश्रम में आना है, आपका कल्याण हो जाएगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमात्मा की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हो सके। परमात्मा की कृपा के बिना कोई भी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता, और जो प्राणी भक्ति कर रहे हैं, अपनी मनमानी साधनाएं भी कर रहे हैं, नकली गुरुओं के पास भी वो जाके दीक्षित हैं, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो सौभाग्य आपका कि आप जी भक्ति कर रहे हैं, विशेष कृपा है आपके ऊपर परमात्मा की, क्योंकि सत भक्ति हम करें तो वही भक्ति होती है, असत क्रिया को करने से कोई लाभ नहीं होता। यदि कोई जंडी के पेड़ को और काट के गण से काटने की चेष्टा कर रहा है तो क्या उसका प्रक्रिया उचित है, क्या वो अपने उस कार्य में सफल हो सकता है, नहीं हो सकता। किसी जंडी के पेड़ को या किसी भी वृक्ष को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, लोहे की, तो वो अपना सही कार्य कर रहा है जो इस
हथियार औजार को प्रयोग करके प्रयत्न कर रहा है। आप जी वो सत साधना कर रहे हैं जिससे परमात्मा प्राप्ति होती है, और जिस साधना के करने से पूर्व में बहुत से महापुरुषों को परमात्मा प्राप्ति हुई है। तो आपका सौभाग्य है कि आप जी परमात्मा की कृपा से सत साधना कर रहे हो, सत्संग में उपस्थित हो रहे हो, अन्यथा इस काल भगवान ने ऐसा कहर तोल रखा है प्रत्येक प्राणी पे, परमात्मा की रजा ना हो तो यही समय आपका ये ना जाने कहां पर बर्बाद करा देता, किसी थाने में, किसी कोर्ट में या किसी अन्य स्थान पर, और कोई समस्या पैदा कर देता, कोई बीमारी कर देता, हॉस्पिटल में पड़े होते, पैसे भी खर्च होते, चिंता भी नारी बनी रहती। उसकी कृपा से आप यहां पहुंचे हो, कितने शांत हो, कोई दुख है वो भी आप पर इतना प्रभाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ परमात्मा की विशेष रजा होती है। जहां भक्त संत रहते हैं वहां काल का प्रभाव नहीं होता, और आपको वो अनमोल ज्ञान मिलेगा, आपके बहुत शुभ संस्कार बनेंगे, और शुभ कर्मों का फल ही सुख होता है, बुरे कर्मों का फल दुख होता है। तो इसलिए आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप जी परमात्मा की भक्ति कर रहे हो और सत्संग में उपस्थित हो रहे हो। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा दे है सतगुरु दातार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं मुँह कहे कबीर विचार। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो है यज्ञ समान। संत मिलन को चालियो दिन में कई कई बार, आसज के मेह जो ये गणा करें उपकार। कबीर दर्शन संत का परमात्मा आड़ याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी का समय बर्बाद। साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहाग, दर्स उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। आप जी सभी पूर्ण भागी हैं, भले कोई दुख के कारण यहाँ पहुंचा है या कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए ही यहाँ आए हैं, आप पूर्ण भागी प्राणी हो और परमात्मा के विशेष कृपा पात्र हो। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त होता है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कर क्या रहे थे। हम सभी पहले अपनी जो साधनाएं कर रहे थे वो परंपरागत साधनाएं थी, उनको सही मानकर कर रही थी, और जिस समय हमें सत्संग प्राप्त हुआ यानी सतगुरु मिले, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सत्संग में आने से हमें पता चला कि हम जो साधनाएं कर रहे थे वो सदग्रंथों के विपरीत थी। मनमानी साधनाएं हम कर रहे थे, सुनी सुनाई देखा देखी लगे हुए थे। एक लोक वेद के आधार से हम अपनी भक्ति क्रियाओं को कर रहे थे। लोक वेद होता है अक्षेत्रीय ज्ञान, यानी सुनी सुनाया ज्ञान जो यथार्थ ना हो उसको लोक वेद कहते हैं। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा इस कलयुग में स्वयं प्रकट हुए थे एक सतगुरु के रूप में, कबीर भगवान वो सारी सृष्टि के रचनहार सतपुरुष अमर पुरुष। उन्होंने एक सिंपल मैन की, एक साधारण नागरिक की भी भूमिका की,
परमात्मा ही हमें गाइड करते हैं, परमात्मा ही हमें हर प्रकार की यहाँ जीने की प्रक्रिया सही बताते हैं। परमात्मा ने, कबीर परमात्मा जी ने आकर के सबसे पहले हमें ये सिखाया कलयुग में कि यहाँ पर जो माया जोड़ने की, कोठी बंगले बनाने की जो आपके अंदर एक गलत प्रेरणा है या व्यर्थ है, इस पृथ्वी लोक पर इसकी कति आवश्यकता नहीं है, ये महामूर्खों का कार्य है। और जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता तो हम उसी को सबसे उत्तम मान रहे होते हैं। और जो हम यहाँ पद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की हम चेष्टा करते हैं, तो ये भी एक अज्ञानता का प्रतीक बताया है। कौन सी अज्ञानता का? जो अध्यात्म ज्ञान के विपरीत है। हमेशा जगत और भगत का आपस में मतभेद और विरोध इसी बात पर रहा है कि जो सत्संग भगत होते हैं उनका विधान आध्यात्मिक तरीके से और धर्म नीति होती है, और जगत की जो आधार है वो राजनीति होती है, और जगत का व्यवहार उनका परम कर्तव्य मान बैठे होते हैं, वो उसी का निर्वाह करते हैं। तो सत्संग आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसके अतिरिक्त हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, संतानों उत्पत्ति, पेट के लिए एक दूसरे की छीना झपटी, रिश्वतखोरी, मिलावट करके अपने कोठी बंगले बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसे जिस भी पशु पक्षी की जैसी सामर्थ्य है वो भी ऐसा ही कर रहा है। अब संतान उत्पत्ति सब प्राणी करते हैं, उनकी पालन पोषण की चेष्टा और चिंता सभी को सेम है, जैसी आप जी को है। और आपने देखा होगा कि बैया पक्षी होता, बैया पक्षी कितना गजब का घोंसला बनाता है, और कैसी उसको बुद्धि दी है, किस प्रकार वो सेटिंग करता है, कैसे अपने अंडों को रखने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे घास के तिनके, ना उसके पास सुई है, ना धागा है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, और कैसे बना लेता है अपने चोंच से। तो ये इस तरह की चतुरता करते हम यदि मनुष्य जीवन को भी ऐसे व्यर्थ करेंगे तो ये हमारी बुद्धिमता नहीं है। इसके लिए हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है इस मनुष्य जीवन से। और परमेश्वर ने आकर के एक साधारण नागरिक का भी एक रोल किया, भूमिका की, कि सभ्य समाज और सभ्य नागरिक कैसा होना चाहिए। अपने 10 नाखूनों की मजदूरी से अपना निर्वाह करें, किसी की चोरी, लूट, खसोट, जारी ये बकवाद करके यहाँ कोठी बंगले कति नहीं बनावे, ये पाप का मूल कारण है। यहाँ रहने के लिए हमने, परमात्मा ने बताया है कि कबीर, घर तो 3.5 हाथ भाई गणा तो 4.25, और कहाँ चुनाव मेड़िया तो लंबी भीत उसार। के भोले प्राणी, कहाँ लंबी लंबी द्वारे मना करके तू प्रभु अपनी प्रभुता दिखा रहा है। ये समय मनुष्य जीवन का ऐसे बर्बाद करने का नहीं है। भक्ति करो, और मकान तो इतना ही काफी है, घर तो 3.5 गणा तो 4.25। प्रत्येक मनुष्य की अपनी दे अपना शरीर, प्रत्येक मनुष्य का अपना शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है। ये जो हाथ यहाँ से लेकर कोहनी तक है, इसको एक हाथ बोला है, ये मेजरमेंट के लिए है। प्रत्येक प्राणी का 3.5 हाथ का शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं, आपने चाहे 4 कमरों की कोठी बना ली और ऊपर नीचे 8 कमरे बना लिए, एक ही कमरे में, एक कोने में, एक चारपाई के ऊपर आपने विश्राम करना होता है, बाकी शेष आपका व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं भाई, घर तो 3.5 हाथ,
और गणात कोणे चार, ज्यादा ज्यादा चाहता है तो 6 इंच और बढ़ा ले 4 इंच। कहने का भाव ये है कि मिनिमम कम से कम ये मकान आदि के ऊपर आप समय व्यर्थ कम से कम व्यतीत करो लगाओ, और ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की चर्चा सुनने में और अपने सतलोक जाने की हमेशा टेंशन बनी रहे। जो चिंताएं हमने यहाँ पाल रखी हैं ये व्यर्थ की हैं, और ये स्वाभाविक है जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते। जिस समय हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो जो यहाँ की टेंशन है कुछ तो ज्ञान तो मिट जाएगी, और फिर भगवान की भक्ति होने से वो दुख जो प्रारब्ध का है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के एक झोंपड़ी में रहा करते थे, झोंपड़ी में, और सारी सृष्टि के रचने वाले एक शब्द से वो एक जबरदस्त महल बना सकते थे, एक वचन से दूसरा सेकंड नहीं लगना था उनको। ये महल तो भगवान वहां छोड़कर आए हैं जो सर्व सुख थे कबीर भगवान को सतलोक में, यहां तो हमें एक ऐसी भूमिका करके दिखाई है कि बच्चों यदि तुमने भक्ति करनी है और तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है कि युगंधा लोक है, ये काल का लोक है, यहां रोजाना हाहाकार मची है, कोई मर रहा है, कोई खप रहा है, और एक का भी सांस का भरोसा नहीं, दूसरी सेकंड में के बिजली गिर जाए तो प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति हो सारी पृथ्वी का, तो क्या जीवन है यहाँ पर, यह क्या प्रभुता है आपकी, या भूल पड़ गई। इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमारे तरह एक जीवन जीकर दिखाया, ताकि हम कम से कम अपने भगवान का अनुसरण करके अपनी इन बकवादों को कम कर सकें जो हमने समाज से ग्रहण कर रखी है। यदि भक्त और जगत की जैसी ही क्रियाएं करता रहेगा, वही कर्म करता रहेगा, तो भगत नहीं है। एक विद्यार्थी है और एक बच्चा विद्यार्थी है, एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, स्कूल नहीं जाता, वैसे ही बकवाद करता फिरता है, कभी गधों पर बैठ कर घूम रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़कर छलांग लगा रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं धक्के खा रहा है, या कोई शराब पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है, तो यदि विद्यार्थी वो कर्म करेगा तो वो पढ़ेगा कैसे? विद्यार्थी का वो काम नहीं है, वो तो उसका काम है जिसने अपने कर्म फोड़ने हो। इसी प्रकार आप एक दीक्षित भगत होगे, आप विद्यार्थी होगे भगवान के पाने की उस यूनिवर्सिटी के उस स्कूल के, आप जिन्हें वो क्रिया करनी पड़ेंगी जो भगत की यानी विद्यार्थी की होती है, और अन्य समाज चाहे कुछ भी कर रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। कोई कोठी बनाता है बनाने दे, कोई डीजे बजाता है बजाने दे, फोड़न दे करण मुसन अपने, कोई शराब पीता है तो गिरीपा के अंडर, आपके भगवान के ज्ञान के आधार से आपको आपके और उसके भविष्य की तुलना करनी चाहिए। क्या बताते हैं? तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। यदि तीन लोक का भी कोई राजा बन जा, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो धिक्कार है उसके जीवन को। राम रटत निर्धन भला भाई टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाला वो भक्त परमात्मा को बहुत प्रिय है और बहुत ही धनवान है वो भक्ति मार्ग में, जिसकी झोंपड़ी की चढ़ ऊपर की छत भी टूटी हो लेकिन भक्ति कर रहा हो। और जो भक्ति नहीं करे वो चाहे आलीशान महलों में रह रहे हो, उनका भविष्य कुछ भी नहीं है। आज कोठियों में रहते हैं, जनता में उनकी खूब शान है, शौकत है, और कल भाई की मृत्यु होगी, वो कुत्ता बनकर उसी कोठी के बाहर बैठा होगा, गली के अंदर चाट ले उस कोठी ने,
अब के काम आई, वो सारी उम्र असंख ना जाने कितने वर्षों, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों तक तक धक्के खाएगा। एक 10-20 वर्ष के लिए कोठी बना के इसमें चौधरी पाक क्या, और उसमें रहता कितने समय है वो व्यक्ति। परमात्मा आप जीने परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान पर अमल करना पड़ेगा। ये बातें कर्ण सुन की नहीं, ये कपाड़म की है। ये मैंने कह दिया, आपने सुन ली, भाई बहुत बढ़िया सत्संग करा गुरु जी ने, नहीं, ये आपने अमल लानी पड़ेगी, अमल में लानी पड़ेगी, तब आपका कल्याण संभव है। अब परमात्मा स्वयं भी एक कुटिया में रहते थे, अपने हाथ से कपड़ा बुनकर, परमात्मा विचार करो, एक थान बनाने में एक पतले से धागे को ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, एक दिन में कितना बना पा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट 2 फुट। और परमात्मा ये काम करते थे, और उसी से जो मेहनताना मिलता था उससे निर्वाह करते थे, और फिर भी अगर बच जाता था तो उसका दान करते थे, पुण्य में लगाते थे। तो हमें वो इसलिए शिक्षा दे रहे हैं कि आप परमात्मा की सारी क्रियाएं को अपनाओ जो भगवान पाने में सहयोगी हैं, दान भी करो, चाहे विश्व कितने निर्धन हो उसी से निकाल कर कुछ दान जरूर करो। जैसे आप जब इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाओगे, इस मार्ग से, तो फिर आप आनाकानी नहीं कर सकते दान करण में। कैसे? जैसे एक किसान जब फसल बीजनी होती है, जैसे गेहूं का समय आ गया, और उसके पास इतना गेहूं है कि परिवार का गुजारा ही मुश्किल से होगा खाने का, तो वो क्या करता है? वो ये नहीं देखता कि अब क्या करूंगा, कैसे बीजूंगा, बच्चे क्या खाएंगे, इसको अगर बीज दिया तो, उसको इतना पता है अगर नहीं बीजूंगा तो फिर कति भूखा मर जाऊंगा, आगे भी कुछ नहीं होगा। तो वो चाहे उसने उधार लेकर किसी से बीज ना पड़े, वो बीज जरूर बीजेगा, और उसके बीजने के बाद भी फिर बहुत सा काम है, वो सारे खर्च भी करेगा, और फिर उसके बाद देखो वो मालो माल हो जाएगा। इसी प्रकार आप जी ने ये बीज धर्म का बोना पड़ेगा, अपने और वाहियात के खर्चों को कम करके दान में ज्यादा ध्यान आपने देना पड़ेगा। देते को हर देत है जहां तहां से आने, अन देवा मांगत पुरे भाई साहेब सुने ना कान। अब एक तो मनुष्य कार में बैठा जा रहा है, एक मनुष्य दिए बाबा दिए बाबा दिए बाबा, और चल 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 चल, तो ये क्या है? उसने पहले दान किया जो आज सुख से जीवन जी रहा, जो यहाँ का सुख है। अरे जिसने दान धर्म किया नहीं, मनुष्य जीवन भी मिल गया, भक्ति उसके पास नहीं, मांगता फिरता है। कहते देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया फिर मांगते फिर यो, भगवान सुने नहीं कान। तो पुणात्मा परमात्मा कबीर साहब ने स्वयं आकर के सब क्रियाएं हमें बताई है, और स्वयं उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि तुम भी करके देखो जो परमात्मा कह रहे हैं। तो देखो, पहले तो दास ने आपके हृदय में ये सिद्ध किया है कि कबीर इज गॉड। जिनको नहीं शंका है, अभी थोड़े दिन नए नए आए हैं, वो उनको हो जाएगा, क्योंकि तो प्रमाणित है। तो सबसे पहले तो ये सिद्ध होगा कि कबीर भगवान है। दूसरा ये फिर आपने ऑटोमेटिकली पता है कि भगवान जो कहता है वह सत्य होती है, उसमें कोई मिटाने वाला नहीं है, वो सारी सच्ची होती है। तो जो परमात्मा ने हमें किया है, करके दिखाया है, या कहा है, क्या कहा है? चिड़ी चोंच भर ले गई नदी में घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं ये करे साहेब कबीर। परमात्मा अपने दस्तक कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं
दान देने से धन नहीं घटता, पर कैसे दान करे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अब दान 20 अधिकारी को दोगे तो लाभ होगा, जैसे बीज भी उपजाऊ जमीन में बोओगे तो प्रतिफल मिलेगा। यदि रेही और घटिया जमीन में आपने बीज बो दिया, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। यानी पूर्ण संत के बिना पूर्ण भक्ति आप नहीं मिली, और आप भक्ति भी कर रहे हो और दान भी नकली संतों को कर रहे हो, तो उससे कोई लाभ आपको नहीं होगा। तो दान भी अधिकारी को करे, और दान देने से धन नहीं घटता, ये भगवान कह रहे हैं। उदाहरण के लिए परमात्मा ने बहुत सी प्रैक्टिकल करके दिखाई है। हम परमात्मा से क्या मांगते हैं, बहुत ज्यादा धन हो, कोठी हो, कोई फैक्ट्री लग जाए भगवान। और परमात्मा कहते हैं, परमात्मा से ये मांगो, कबीर साहब कहते हैं, साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ने भूखो जाए। परमात्मा कहते हैं मेरे से इतना मांग लो, और इसमें सब कुछ आ गया भक्तों, सब कुछ आ गया। जा मैं कुटुंब समावे, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो और हम भी भूखे ना रहे, और कोई अतिथि द्वार पे आवे दाता वो भी भूखा ना जावे। सब कुछ मिल गया, आवश्यकता जो परिवार की, भगवान को खूब पता है इस बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है। हम अननेसेसरी मांगते हैं कोई चीजें जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो परमात्मा आपको नहीं देगा। और उनको आप ये मान लेते हो कि हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं आपके, आपको उन बच्चों से पहले पता है गर्मी में कौन सी पोशाक लानी है, सर्दी में कौन सी लानी है, अब इसको दूध पिलाना है। बच्चा तो पता भी नहीं दूध कब पिएगा कितना पिएगा, खाना खाने की भी नहीं चिंता, वो तो खेलता ही रहता है। माता पिता जबरदस्ती उठा कर लाते हैं, बेटा खाना खा, बेटी खाना खा, और ये कपड़े पहन, जुराब पहन, जूते पहन, जर्सी पहन, और फिर जा खेले। तो इस प्रकार भगवान के आप बच्चे हो गए, आपका जन्म हो गया इस परमात्मा के घर पे। परमात्मा का घर ये सत्संग है, और जिस दिन आपने यहाँ नाम लिया है बेटा या बेटी भगवान के हो गए तुम, उस दिन से आप का जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद आपकी जीवन उम्र गिनती होगी। तो कोई तो किसी का तो आज ही जन्म हुआ है, दीक्षा ली है, किसी का कल, किसी का परसों, ये नवजात बच्चे हैं, और किसी ने 6 महीने, किसी को वर्ष हो गए, किसी को 2 वर्ष, कोई 10 वर्ष के भी हो गए। तो ये सभी भगवान के बच्चे हो गए, भी परमात्मा ने अपने बच्चों की खुद चिंता है इनको किस चीज की आवश्यकता है, और वो आप मांगोगे और वो अनुकूल है तो भी देगा, और ना मांगोगे तो भी देगा। ये भगवान है, इसको सब पता है। जब हम एक मनुष्य हैं, हम ही अपने बच्चों की इतनी चिंता करते हैं, तो परमात्मा है, वो तो परमात्मा है, समर्थ है, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। साईं के दरबार में कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चोक चाकरी माँ। कि इस कबीर भगवान के दरबार में, समर्थ के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, अभाव नहीं है। और यदि आपको परमात्मा नहीं दे रहे हैं, तो आपकी कोई चाकरी में चूक है, आपकी कोई श्रद्धा भावना और सेवा में कोई कमी है, उसकी त्रुटि पूरी करो, फिर क्यों ना मिलेगा। दूसरी बात यह होगी कि उसकी आपको आवश्यकता नहीं है, और आप अननेसेसरी वस्तु मांग रहे हैं, तो भी भगवान आपको नहीं देगा।
अब जैसे कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज और हलवा खान की कह गणाएं खिला दे तो डॉक्टर अलाउड नहीं करे, कट्टी नहीं देगा उसको, चाहे खुश रहे और चाहे रो, क्योंकि उसको मारना नहीं उसको। इसी प्रकार परमात्मा वो वस्तुएं आपको नहीं देगा जो आपके भक्ति मार्ग में आपको हानि करे। अब जैसे परमात्मा ने आकर के शुरुआत में ये ध्यान दिया, वो क्या बताया करते थे, एक सतगुरु की भूमिका भी परमात्मा ने की कबीर भगवान ने, एक अच्छे नागरिक की कि अपना करके खावे और किसी का ले तो देवे भी, अपना 10 नाखूनों की कमाई से काम करे उससे अपना निर्वाह करे, घर में भी सुख शरीर में भी सुख और भक्ति भी प्रफुल्लित कहनी होगी। तो परमात्मा ने एक तो ये रोल किया, दूसरा ये किया कि वो सतगुरु हैं, वो सारी सृष्टि के पालनहार हैं और वो जगत गुरु हैं, पूरी सृष्टि को विश्व को सत ज्ञान, सतगुरु हैं, सच्चा ज्ञान देने वाले गुरु हैं, वही हैं, भगवान ही हो सकता सतगुरु। ये बाकी नकली अपने बेसिक सतगुरु लिखे नहीं, वो सतगुरु नहीं जिनको ज्ञान में नहीं, सच्चा ज्ञान ही नहीं, सच्चा मार्गदर्शक नहीं वो, तो सतगुरु कहां से हो गया। तो वो सतगुरु की भूमिका भी वही करते हैं क्योंकि वो उनके विधान में है। वेद बताते हैं परमात्मा ऊपर रहते हैं सतलोक में, वहां मनुष्य सदृश है राजा के समान, वहां एक सिंहासन यानी तख्त पर बैठे अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक कंट्रोलर यानी महाराजा के पद पर वो विराजमान है। जैसे हम सुना करते हैं कि दिल्ली के तख्त पर सिंहासन पर फलाने राजा इतने दिन रहा, वो इतने दिन रहा, तो ये तख्त मीन एक सिंहासन अर्थात एक राज पद। तो परमात्मा महाराज पद हैं, वो सतलोक में रहते हैं, वो सारी सृष्टि के संचालक और कंट्रोलर हैं, सबके मालिक हैं, वहाँ सिंहासन पर सिर पे मुकुट है मालिक का, ऊपर बहुत सुंदर सफेद छत्र बना हुआ है एक बहुत बड़े गुमज के अंदर, जैसे बहुत सुंदर मंदिर नहीं कह सकते, मंदिर की तो चोटी नो कर दे ऊपर तक, वो ऐसे गोल गोल सी ऐसे ही होती है गुमज, एक बहुत बड़े गुमज में सफेद गुमज में मालिक बैठे हैं। और फिर यहाँ आते हैं वो तीन सतीथी से, तीन प्रकार की सतीथी से हमारी सभी केयर टेक करते हैं, देखभाल करते हैं। एक शरीर जो ऊपर परमात्मा बैठे हैं, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, एक रोम बोलते हैं बाल को, और रोमकूप बोलते हैं जहां बाल उगया है, इसको रोमकूप कहते हैं। तो शरीर के एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक बाल की, एक रोम की, ये तो मालिक का इतना सुंदर और तेजोमय शरीर वहां पर है। उसी शरीर युक्त परमात्मा यहाँ आ जाए तो हम सबकी चरम दृष्टियां ऐसे बंद हो जाएंगी जैसे सूर्य को देखकर उल्लू पक्षी की आंखें बंद हो जाती। इसलिए परमात्मा अपना हल्का तेज पुंज का हल्का शरीर करके अपनी यहाँ हमें यहाँ दो प्रकार से आते हैं। एक तो प्रत्येक युग में मालिक एक शिशु रूप धारण करके और किसी कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं, और कमल का फूल अंडरस्टूड है कि वो जल में ही होता है, तो इसलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं। नार माने जल, आयन माने वहां पर आकर विराजमान, कहीं से आकर विराजमान होने वाला। तो नारायण वास्तव में कबीर भगवान है, और बाकी इन सब का जैसे विष्णु जी से शेष नाग की सैया पर सो गए, नारायण बन गए, फिर शेष नाग तो उसके पहले नारायण क्योंकि तो रेस पानी में जल में रहता है, तो ये नकली नारायण थे, असली नारायण वो परमात्मा है। उसके लिए ही वेदों में नारायण लिखा है कि वो एक कमल के फूल पर आके विराजमान होता है। वहां से निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले जाते हैं, फिर एक जीवन एक उस समय का जो क्रिया होती है कर्म होते हैं एक यानी निर्वाह के लिए वो सभी करते हैं, और साथ में वो अपना ज्ञान भी प्रचार करते हैं, अपनी जानकारी भी देते हैं। इसी पर फिर दूसरी स्थिति परमात्मा की है, वो कभी भी आकर यहाँ दो प्रकार से आते हैं, कभी भी कहीं भी अन्य रूप धारण करके किसी
जीव साधु संत भगत का वो कहीं प्रकट हो जाते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, सच्ची अच्छी आत्माओं से मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं और फिर वो भक्त परमात्मा की महिमा आंखों देखा सुनाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा जब भी आते हैं तो एक तो ये क्रिया करते, साथ में फिर वो ज्ञान भी देते हैं। जैसे शिशु रूप धारण करके आते तो भी वो ऐसा ही करते हैं, बड़े होते ही 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा ने बड़े बड़े विद्वान पंडित प्रकांड विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे, ज्ञान में किसी के पास जवाब नहीं था। एक ही प्रश्न करते थे परमात्मा इन वेदों के ज्ञाताओं को, कोई देवी की पूजा कर रहा है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम बता रहा है। परमात्मा कहते थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो सभी फिर करते थे, ये तो अजरो अमर है, इनका कोई माता पिता नहीं है, ये दुल्हा झूठ बोलता है, ये क्या जाने वेदों और सदग्रंथों की गहराइयों को। जब तक तो उनकी दाल गलगी नकलियों की, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे और वही ज्ञान भगवान का दिया हुआ आज दास को प्राप्त हुआ। और 600 वर्ष पहले जो मालिक के सूक्ष्म वेद में सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में लिखा था, आज दास ने सदग्रंथों से प्रूव कर दिया कि भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था और ये नकली मना किया करते थे कि ऐसा ग्रंथों में नहीं है। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, जो अनपढ़ करते थे तुम इसको, ये कुछ नहीं जानता, ये क्या जाने ग्रंथों को, उन्होंने 600 वर्ष पहले तुम्हारे ग्रंथ खोल कर रख रखे थे सिंपल लैंग्वेज में। तो हु इज गॉड, तो उसने परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही होता है, उसमें किसी भी प्राणी के प्रति भेदभाव नहीं होता। उसके हिंदू भी उसके बच्चे हैं, मुसलमान भी उसके बालक हैं, सिख भी उसी के बच्चे हैं, ईसाई भी उसी के बालक हैं। ये नकली इस काल के दूतों ने हमें अलग अलग बांट दिया, पहले तो जाति में बांटा, फिर ऐसे अध्यात्म मार्ग में अलग अलग करवा दिया। अब परमात्मा प्रत्येक को ज्ञान दिया करते थे, हिंदू को भी मुसलमान को भी। वो क्या कहा करते थे कि भी तुम हिंदुओं को भी कहते थे, धर्मगुरुओं को, कि आप अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं, आप गलत प्रचार कर रहे हो, आप ये अन्य साधनाएं करवा रहे हो और इन देवी देवताओं की पूजा जो करवा रहे हो ये मोक्षदायक नहीं है। और विशेषकर जो गुरु पद पर बैठे होते हैं उन लोगों को दुख होता है इस बात का कि एक तो तेरी बेइज्जती होगी, कि शिष्य क्या कहेंगे कि तुझे ज्ञान नहीं था गुरुजी, और ये सच्चाई ये है। अब दूसरा फिर उनकी रोजी रोटी पर उतर जाने का डर है, जिस कारण से ये शुरू से ही प्रारंभ से ही सत्य ज्ञान के आड़े आते रहे। तो उस समय के धर्म गुरुओं को जो पता चला कि कबीर साहब जो बोलते हैं इसमें बड़ा दम है और कॉन्फिडेंस से कहते हैं, और कहीं इन शिष्यों को पता लग गया, क्योंकि भगवान की शरण में जो जाते थे वो दुखी जाते थे, सुखी नहीं जाते थे। कबीर साहब जब आए हुए थे 600 वर्ष पहले तो कोई भी वो सुखी था, वो तो वही अपनी परंपरागत साधनाएं करी, फॉर्मेलिटी सी और अपना माया जोड़ पर लगे रहते थे, और जो दुखी होते थे, कोई आपदा आती थी, संस्कार की कर्म की मार पड़ती थी, तो वो फिर सब धर्म गुरुओं के पास जाते थे, झाड़ फूक वालों के पास लुटते थे। जब नहीं कहीं आराम होता था तो परमात्मा कबीर जी का कोई शिष्य उनको सलाह देता था कि आप हमारे गुरु जी के पास चलिए, आप ठीक हो जाओगे। तो पहले तो वो नहीं मानते थे, फिर जब सब जगह से हताश हो जाते थे फिर वहां पर मजबूरी में आते थे, और वहां आते ही वो सुखी हो जाते थे। तो वो लोग ही मानते थे भगवान को उस समय जो घने दुखी थे और मालिक की शरण में आते सुखी, क्योंकि परमात्मा तो सुखी देता है। एक समय एक ब्राह्मण परिवार जिसकी 2 लड़के 2 लड़कियां थी, और वो बहुत ही कर्म की मार से, प्रारब्ध के संस्कार से घना दुखी था,
तो पहले जैसे भी अपनी परंपरागत साधनाएं थी वो कर ही रहे थे, उन साधनाओं के करते करते ही उनके घर पर कैर टूट गया। फिर वो चला इधर उधर, जैसे भी कोई झाड़ फूक कराने वाला या कोई साधु संत कहीं उधर किसी ने बता दिया कि वहाँ ठीक हो जाते हैं, वहाँ तालाब में नहाने से ठीक हो जाते हैं, वहाँ ऐसा हो जाता है, तो उसने वो भी सारे जंतर मंतर कर करा लिए और कहीं लाभ नहीं हुआ। और वो ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे, उन्होंने उस स्वामी रामानंद जी से भी अपनी सारी क्रियाएं कर ली जो उन्होंने संकट निवारण के लिए बताई थी। एक दिन परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु में रामानंद जी को के साथ उनकी गोष्ठी हुई थी, जो आपको बहुत बार बता रखी है, लेकिन आज विषय दूसरा है। उसके बाद परमेश्वर वो जो ब्राह्मण था वो रामानंद जी का पहले से शिष्य था बचपन से ही, और उसके बाद भी उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। एक दिन वो ब्राह्मण फिर गया हुआ था, उधर से परमात्मा कबीर जी भी उस स्वामी रामानंद जी के पास उस आश्रम में विराजमान थे। अब स्वामी रामानंद जी परमात्मा को देख चुके थे, सतलोक सचखंड में जाकर वापस आ चुके थे, और फिर वो कहते थे कि उन्होंने वैसे शिष्य बनाने बंद कर दिए थे, परमात्मा कबीर साहब की जो उस लीला से परिचित हुए थे, लेकिन परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि आप अभी गुरु पद पर बने रहो, अभी इसको डिस्क्लोज ना करो, बंद ना करो, नहीं तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि कबीर जी का कोई गुरु नहीं था, आप मेरे गुरु बने रहो। तो परमात्मा ने दृढ़ता से कहा था और प्रतिज्ञा जो आई थी, तब रामानंद जी विवश होकर फिर गुरु पद पर बने हुए थे। और कबीर जी भी जाते थे, उधर से रामानंद जी के कुछ दुखी सुखी शिष्य भी आते थे। तो वो ब्राह्मण रामानंद जी के पास गया, रामानंद जी ने कहा, रामानंद जी से उसने अर्जी की कि महाराज आप जी ने मुझे जो भी क्रियाएं बताई थी मैंने सारी कुछ कर ली, और घर में दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि भाई विपर, ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, यानी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है और ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। बेटा भाई, भक्ति अपना करता रहे और कर्म भी भोगने से ही समाप्त होगा। उसने प्रमाण भी दिए कि एक समय शुक्राचार्य यानी राक्षसों के गुरु से प्रह्लाद ने पूछा था, उसने भी यही बताया था कि भी कर्म तो राजा भोगने से समाप्त होते हैं, और ये प्रतीक समझ ले, आपके ऊपर दुख आया है तो आपके पाप कम हो रहे हैं, आपको सुख प्राप्त है तो आपके पुण्य खत्म कम हो रहे हैं। इसी प्रकार देवताओं के गुरु ने भी यही ज्ञान दिया था कि कर्म तो भोगने से ही कटेंगे, पुण्य भी भोगने पड़ेंगे और पाप भी। तो इस तरह शिक्षा देकर दीक्षा देकर के उस दुखी व्यक्ति को वो संतुष्ट करने की चेष्टा स्वामी रामानंद जी कर रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी सुन रहे थे, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, और साथ में और भी कई विद्वान ब्राह्मण आए हुए थे, कुछ श्रोता भी बैठे जाते थे दर्शनार्थ, अन्य विद्वानों के भी विचार सुनने के लिए। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा खड़ा होकर के, हे गुरुवर, आपका दास एक प्रश्न करना चाहता है। हाँ, करो बच्चा, करो भगवान। कि परमात्मा का विधान है वेद, और वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है, आप स्वयं भी प्रचार करते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य, वेद में जो लिखा भगवान का विधान है, बिल्कुल सत्य। तो परमेश्वर ने कहा कि आप यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में
ये स्पष्ट किया हुआ है कि चाहे कितना घोर कष्ट भी हो, कितना दुख हो जीव का, भगवान की सत भक्ति से वो समाप्त हो सकता है। अब रामानंद जी ने घोट रखे थे वेद पर, याद नहीं थे मंत्र। ये यही बीमारी पड़ी रही कि हम कहते वेद पढ़ने पर भेद न जाने ये बातें पुराने 18, और फिर जड़ पत्थर की पूजा करेंगे भूल गए सृजन हारा। तुमने वेद खाक पढ़े, क्या वेद पढ़े जब तुम फिर पत्थर की पूजाओं पर लगे हुए हो, तुमने वेद पढ़ा नहीं। गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने नु, गीता और भागवत पढ़ते हैं जो वास्तविक ज्ञान है, यथार्थ भक्ति मार्ग है, उनका वास्तविक अर्थ क्या है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। तो स्वामी रामानंद जी ने उसी समय यजुर्वेद खोला, क्योंकि संस्कृत में थे, हिंदी नहीं हुई थी, पढ़ के रख दिया चुप करके, क्योंकि भगवान के सामने ये कहे, उसने तो वो ठीक हो चुके थे, तो कहा ये देख लिया कि सचमुच ऐसा वेद में लिखा है। तब कहा कि ऐसा कौन सी विधि है जिससे ये पाप कटते हैं। परमात्मा ने कहा कि वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में ये भी कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, संभवात, संभवात माने जन्म लेने वाला, जैसे श्री राम श्री कृष्ण अन्य अवतार जो 8-9 मानते, ऐसा असंभवात होता जो कभी जन्म नहीं लेता, अजन्मा है। लेकिन इसकी सही ज्ञान जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो वेद में लिखा है तो सही, लेकिन उसका समाधान इनकम्प्लीट है, और वो मेरे पास है, मैं उसको ही दूंगा जो मेरा सिर बन जाएगा। अब कबीर साहब उठकर चले गए, कुछ देर के बाद चर्चा होने के बाद वो ब्राह्मण वहीं बैठा था जो कर्म की मार से दुखी था, प्रारब्ध के कर्म से दुखी था, पूरा परिवार जो कर्म ने सता रखा था। उसने पूछा स्वामी रामानंद जी से, जी ये कौन थे? स्वामी रामानंद जी ने बताया कि ये, अब क्या बताऊं मैं, इनकी आइडेंटिटी बता भी नहीं सकता, और बताऊंगा तो तुम्हारा यकीन नहीं हो सकता। ये नीरू के घर आए हुए, जुलाहे के घर आए, ये परमात्मा है। अब इसने जो वेद का श्लोक बताया मुझे, मैं सारी उम्र खोदी मैंने पढ़ते, मैं 120 साल का हो गया और मुझे नहीं पता था वेद में ये मंत्र है भी के नहीं, और मुझे चारों वेद कंठस्थ याद है, लेकिन मैंने घोट रखा है उसमें नहीं पता लिखा क्या। और ये जुलाहे के घर लीला कर रही। अब उस पंडित जी ने के सामने ये मर्यादा यानी ये समस्या खड़ी होगी, मैं ब्राह्मण और वो धानक है, वो जुलाहा, वो शूद्र, और इतना दुखी। एक महीना तो उसने इसी उधेड़ बुन में लोक लाज में खो दिया। एक दिन उसको वो जा रहा था, परमात्मा सत्संग कहीं कर रहे थे, एक वाणी उसके कानों में पड़ी, कुलकर्णी के कारण लोक लाज के कारण ये हंसा गया बिगो, तब ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पा का हो। एक वाणी परमात्मा ने बोली और बताया कि भाई आज तो जन कोई व्यक्ति लोक लाज कुल की मर्यादा के कारण भक्ति से वंचित रह जाते हैं, और फिर ये कुल तेरा खानदान के व्यक्ति तुझे क्या सपोर्ट करेंगे, क्या तेरी सुरक्षा करेंगे जब तू चार पाओ का बनकर बैल पशु पक्षी गधा बनकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए भक्ति कर लो, ये समय थोड़ा है।
उसी समय उसकी बुद्धि पर जो पड़ी हुई वह मिट्टी थी हट गई और सत्संग में आकर बैठ गया। अब सत्संग में आने के बाद फिर उसने बहुत से विचार सुने हैं। वहां बैठे भक्त कुछ थे 50-100, उनने बताया कि मैं ऐसा दुखी था, मैं ऐसे ठीक हो गया। बड़ी दया करिए तो परमात्मा उतरे हैं। अब उस ब्राह्मण की अकल ठिकाने आई, भगवान के चरणों में गिर गया। परमात्मा ने कहा, भाई देखो विपर जी, भक्ति करो, मैं मंत्र दूंगा, मैं कोई झाड़ फूंक नहीं करता, मैं आशीर्वाद देता हूं, आशीर्वाद से मैं अपने कोटे से कुछ राहत तुम्हें दूंगा। भगवान की शक्ति तेरे अंदर, यानी कुछ पुण्य तेरे पर डालूंगा, उसके बाद तूने भक्ति करनी पड़ेगी और भक्ति से लाभ होगा, जो मंत्र मैं दूंगा वो पाप नाशक होगा, आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी नाश कर देगा। तो उस भक्त ने नाम लिया, उसको तो उसी समय राहत महसूस हुई। हल्का फुल्का शरीर हुआ। उसने घर आके अपने सारे परिवार को बताया और कहा तुम चलो। तो पहले वो अपने लड़कों को लाया, नाम दिलाया, परमात्मा का आशीर्वाद पाया, दोनों बच्चे धीरे धीरे कति ठीक हो गए। उसके बाद फिर लड़कियों को लाया, अपाहिज ही पड़ी थी, पता नहीं मेंटली डिस्टर्ब थी, किसी को कुछ रोग था, किसी को कुछ तक समस्या थी, फिर उसकी पत्नी वो सारों सब ने दीक्षा ली। उसी के कारण, उस बीमारी के कारण वो बहुत घना कर्जवान भी हो गया था, इतना कर्जवान हो गया था कि उसके रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए थे। द्वार पर जाता था, पता लग जाता था कुछ मांगने आया है, और सामने वाले को भी पता होता है कि ये क्या सोच रहा होगा, अंडरस्टूड है उसको भी कि ये सोच रहा होगा मैं कुछ मांगने आया हूं, तो उसकी नजर में भी अंतर हो जाता है, रिश्तेदार भी दूर हो जाते, भाई भी दूर हो जाता, माँ बाप भी हरकत थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, आपत्ति ऐसी बुरी होती है। तो इसलिए हमने परमात्मा की आवश्यकता है, उसमें सारे ही गुण हैं। तमेव माता च पिता, तमेव बंधु च सखा, तमेव विद्या च द्रविण, तमेव सर्व मम देव देव, कि हे सब भगवानों के भगवान, आप ही मेरे माँ, आप ही पिता, यानी सभी रोल सभी गुण भगवान के अंदर है। वो कभी मुंह नहीं मोड़ता, कितना ही आप कितनी बार याचना करना, अगर जायज होगी तो सारी सुनेगा आपकी। वो कति सुखी हो गया, और भगवान को क्या देर लगे है, सच्ची भक्ति करने वाले के साथ रहता भगवान। जो बच्चा गौ की नजर में, यो साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वचल भगवंत। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जयवीर दास जी। जयवीर जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जयवीर जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 2014 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं ये तीर्थों पर जाता था, अन्य देवी देवताओं की दुर्गा पूजा वगैरह भी करता था, और मथुरा परिक्रमा लगाने भी जाता था, बालाजी भी जाता था, और भी घर में कोई कुछ करवाता था तो वो भी कर देता था, लेकिन उनसे मेरे को कोई लाभ नहीं होता था। सर आप बहुत से तीर्थों पर गए और भक्ति साधनाएं भी आपने की, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? पहले की जो भक्ति साधना करते करते हम लोग बहुत परेशान रहते थे, हमारे ये पेशाब की थैली में पथरी हो गई, उसके बाद फिर मेरे दो पथरी राइट किडनी में हुई, फिर एक पथरी मेरे लेफ्ट वाली किडनी में हुई, और मेरे घरवाले की भी पथरी हो गई, उसका तो हमें ऑपरेशन भी करवाना पड़ा, और हमारा काम धंधा भी ठीक नहीं चलता था, जो भी काम करता था उसमें हमारे को नुकसान ही होता था।
और इन देवी देवताओं की पूजा करने समय पहले कोई लाभ नहीं होता था मेरे को। इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते मेरे को लैट्रिन से खून भी आने लग गया था और मैं जहाँ मैंने कई जगह गया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसको बोलो बवासीर है। तो उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मैं वहाँ से 1500 के करीब दवाई लेके चला आया, मेरे को कोई आराम नहीं मिला। दवाई खाने से मेरे को और ज़्यादा खून तेज आने लग गया। उसके बाद फिर मैं देसी दवाई ली, उससे भी आराम नहीं मिला। उसके एक साल तक मैं ऐसे परेशान रहा, करीब 25 दिन खून आया। सर आपने बताया कि पहले जो आप देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुए आपको और आपकी बीबी को, पत्नी की परेशानी हो गई, उसके अलावा आपको आर्थिक नुकसान होता था, आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी हमें मिली, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, दिल्ली में ऑटो चलाता हूँ, तो नई दिल्ली स्टेशन पे एक माई मिली, उन्होंने मेरे को भक्ति सौदागर किताब दी। उस किताब को मैं घर पे लाया, पढ़ा और मैं परमात्मा की तलाश में तो बहुत पहले से ही था लेकिन मेरे को सही मार्ग मिल नहीं रहा था। तो मेरे पास कुछ शास्त्र घर पे रखे थे और कुछ बाद में लाया, फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज की उस भक्ति सौदागर पुस्तक को उनसे मिलाया। उनसे मिलाने के बाद फिर मैं बरवाला गया, वहाँ पे 2014 में संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। सर आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उससे क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को जो लाभ हुए हैं वो एक तो मेरे जो पथरी थी वो मेरे पेशाब के रास्ते से निकल गई और दूसरा मेरे राइट किडनी में जो पथरी थी वो और एक लेफ्ट किडनी में भी एक पथरी थी, एक साथ मेरे तीन पथरी हुई। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद करीब 6-7 दवाई ली मैंने तो 6-7 दिन में मेरी दोनों पथरी ठीक हो गई और मेरा काम धंधा भी ठीक चल पड़ा और मेरा एक छोटा लड़का है, मैंने उसको वो पढ़ा लिखा है, वो भी इधर उधर धक्के खा रहा था काम धंधे के लिए, उसको भी मैंने नाम दीक्षा दिलाई संत रामपाल जी महाराज से, तो आज वो भी काम धंधा ठीक करने लग गया है। और पहले जो नाम दीक्षा लेने से पहले जो मेरे घर में कलेश होते थे वो नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे घर के कलेश बिल्कुल खत्म हो गए पूरी तरह। आज मेरे घर में पूरी शांति है और किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं है और संत रामपाल जी महाराज की शरण आने से हमारे को आज लाभ ही लाभ हो रहे हैं। पहले मेरे लैटरिन के रास्ते से खून आता था नाम दीक्षा लेने से एक साल पहले करीब, फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद सतना मिलने के बाद मेरी वो बीमारी भी ठीक हो गई। वैसे तो डॉक्टरों ने ये कहा था कि भाई 35,000 रुपये खर्चा बताया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और तो मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैं संत रामपाल जी के शरण में तो नाम दीक्षा ली थी तो मैं उन्हीं से अरदास लगाता रहा और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी वो बीमारी भी पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर की सभी परेशानियां दूर हो गई, आपकी बवासीर की दिक्कत दूर हो गई, पथरी की दिक्कत दूर हो गई, उसके अलावा आपके घर का कलेश भी खत्म हो गया, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रद्धालुओं को संदेश तो मैं क्या दूंगा, संदेश तो संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। मैं तो एक अपने भक्त भाइयों को प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में पृथ्वी पर आए हुए हैं और जल्दी से जल्दी आके इनसे नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी के कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है उस पर नंबर चलते हैं, उस पर फोन करके और आप संत रामपाल जी महाराज से उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। जहाँ भी आपके नजदीक में कोई जो नामदान केंद्र है वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहब जी। आप देख रहे थे संत रामपाल जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।